নমস্কার, আমি ব্রতশ্রী চ্যাটার্জি, আপনারা দেখছেন খবরের দুনিয়া। দীর্ঘদিন পর আবার উত্তাল হতে চলেছে ভারতের রাজপথ। কৃষকদের বিক্ষোভ প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। বিতর্কিত কৃষি আইন পাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে আন্দোলন করতে আরম্ভ করেছে দেশের কৃষকদের একটা বড় অংশ। এই বিতর্কিত কৃষি ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী 25শে সেপ্টেম্বর সারা দেশে কিষাণ কারফিউ ও চাক্কাজামের ডাক দিয়েছে কৃষকদের একটি সংগঠন ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন। ইতিমধ্যে সোমবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসেন কৃষক সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। এই ইউনিয়নের সর্বভারতীয় নেতা চৌধুরী রাকেশ টিকায়েত জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই কালা কানুনের বিরোধিতায় তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, সরকারি কৃষিপণ্য উৎপাদিত সামগ্রীর নিম্নতম ক্রয়মূল্য নির্ধারণ আইন না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন জারি রাখবেন। অরুণ কুমারের রিপোর্ট, খবরের शुगर फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं कि हमके एक प्रचार इन्होंने और चला दे कि किसान ब्याज ना मान ले, अपना भुगतान ना मान ले, मान ले कि मेगा जी उनको 30% जो सट्टा है वो खत्म कर दे। जबकि तो किसान का दिमाग कहाँ चलेगा, भुगतान भी नहीं गया उसका दिमाग, ना ब्याज में गया। कह लगा तो मेरा गन्ना मेरी पर्ची ना कट जाए, वो उसी गुना बात पर लग रहा है। देखो, किसी की ना पर्ची कटने की, किसी की जो जो गन्ना को होगा उसका पूरा गन्ना जाएगा। आप अपना दिमाग पैसे लेने पे इसके इंटरेस्ट पे आप लगाओ। हाँ, तो सुभाष जी, आप हमें बताइए कि आपका क्या प्रोग्राम है कल, जो चक्का जाम आप कर रहे हैं किसान कर्फ्यू के, जो आपने घोषणा की है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। राकेश जी। हाँ हाँ, राकेश जी। हाँ, अच्छा, हमारा ये है कि कल का जो इसके विरोध में है ना, तो इसमें सभी किसान कर रहे हैं। कल एक दिन का विरोध प्रदर्शन ये हो जाएगा, भारत सरकार को पता भी चल जाएगा। और इशू ये है कि मंडी खत्म होगी हमारी जी, क्योंकि जब माल मंडी में कोई लेकर नहीं जाएगा और मार्केट में मंडी के बाहर वो सस्ता रहेगा, उस पर टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री होगा वो जी, और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ये। और जो दूसरा एमएसपी का है हमारा एक बड़ा सवाल। हाँ, हमने सरकार को ये कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी तय करा है, आप उसको लीगल कानून बनाओ। जब तक लीगल कानून नहीं बनेगा, किसका कोई फायदा होने वाला है नहीं जी। जी, ये दो तीन, क्योंकि ये देखोगे भंडारण की कितनी सीमा होगी। एक पैन कार्ड धारक आदमी पैसे देकर भंडारण करेगा, हो तो ये तो पहले तो था नहीं कभी के भंडारण, इससे तो काला बाजार इससे कर लेगी। अच्छा, ये तीन चार आशंकाएं हमारी बड़ी है जी। और इसके बाद में तो सीट भी ला रहा है वो, किसान को बर्बाद करेगा, पेस्टिसाइड भी ला रहा, दो तीन बिल और आएंगे अभी। अच्छा, इसे अगर नहीं रोके गए हैं तो ये भी लाएंगे। बीज कानून आ रहा है अभी देश में, नया कानून आ रहा है।